Hello everyone, you're watching Food Fitness and Fun and this is dietitian Manju Malik. तो आज हम बात करेंगे कि क्या crunches, leg raises या फिर plank से अपना आप belly fat lose कर सकते हैं? क्या ये सारी exercise, ये सारी workouts जो हैं, वो आपके belly fat को कम करने में help करेंगी? तो इसके लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा उन तीन कैटेगरीज को जिनमें आप अपने बेली फैट को डिवाइड कर सकते हो। सबसे पहली कैटेगरी है द स्टबर्न बेली फैट, यानी ढीठ वाला बेली फैट जो होता है। आप काफी टाइम से वर्कआउट कर रहे हैं, यू हैव बीन फोकसिंग ऑन योर हेल्थ, आप अपनी डाइट अच्छी ले रहे हैं, पर फिर भी बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स का ये कंप्लेंट आता है कि बेली फैट नहीं जा रहा, हमारा ओवरऑल वेट कम हो रहा है, लेकिन जो मफिन टॉप है या फिर जो लूज बेली है वो ठीक नहीं हो रही। तो इसे हम कहते हैं स्टबर्न बेली फैट। सारे आपके जो शरीर है उससे फैट जा रहा है एक्सेप्ट बेली। नेक्स्ट टाइप की बेली जो है वो है सबक्यूटेंशियस बेली फैट, जो चारों तरफ आपको कई बार टायर्ड दिखता है। जो लोग वेट लॉस स्टार्ट करते हैं वो समझ पाएंगे, जब आप पिंच करते हो आपके साइड में या फिर फ्रंट में, तो आप उसको इजीली पकड़ सकते हो। इट्स लूज बेसिकली, आपका जो बेली है और साइड्स हैं वो हल्के हल्के लूज हैं, जो आप अपने हाथ में आराम से ले सकते हैं। ये होता है ऊपरी फैट, सबक्यूटेंशियस फैट। नंबर तीन पर आता है विसरल फैट, यानी जो फैट है वो आपके ऊपर की लेयर जो है उससे अंदर पेनिट्रेट कर चुका है, यानी आपके ऑर्गन्स के आसपास जमा हो गया है। इस तरह का जिन्हें फैट होता है उनका टमी थोड़ी थोड़ी सॉलिड सी होने लग जाती है। दूसरा जो साइन है इसका, इफ यू आर अ फीमेल और आपका जो बेली है, जो आपकी वेस्ट है, अगर आप नेवल से चेक करें 35 एंड अबव है, देन देयर हाई चांसेस कि आपको विसरल बेली फैट है। ये बहुत ही खतरनाक तरह का फैट होता है, क्योंकि जिनकी बॉडी के अंदर विसरल फैट होता है उन्हें हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और भी बहुत सारी बीमारियां हैं, डायबिटीज़ के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इन लोगों को वेट लॉस करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि वो फैट जो होता है वो हटाने में इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड टाइम। और स्टबर्न बेली फैट जो होता है वो हमें लगता है कि कम नहीं हो रहा, डिफिकल्ट है, ढीठ है, लेकिन वो जाना आसान होता है। कैसे? मैं आपसे वो टिप्स शेयर करूँगी। तो क्या क्रंचेस, लेग रेसेस और प्लैंक हम करते हैं, सिटअप्स करते हैं, क्या वो हमें ये बेली फैट लूज करने में हेल्प करेगी? काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, मैम आप कह रहे हैं बेली फैट लॉस एक्सरसाइज है, ये वर्कआउट है, लेकिन टारगेटेड एरिया जो होता है वो कभी भी हम वर्क नहीं कर सकते उस पर, इट्स इम्पॉसिबल। सो बेसिकली जब भी हम ये सारी एक्सरसाइज करते हैं बेली से रिलेटेड, हम उस टाइम पे अपनी मसल्स पे काम करते हैं, उन एक्सरसाइज का आपके फैट पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है। जब आप कार्डियो करते हैं, जब आप पूरी अपनी बॉडी को ट्रेन करते हैं, तब आपका वो फैट जो होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, यानी जो फैटी एसिड्स होते हैं तब आपका फैट बर्न होता है। और वो ज़रूरी नहीं कि आपके बेली से ही वो फैट बर्न हो। कई लोगों का शुरू में, जैसे मेरे लिए, मेरा फेस का फैट जो होता है वो सबसे पहले कम होता है। यूजुअली बहुत लोगों का, मैक्सिमम लोगों का ये एंड होता है, सबसे आखिरी में यहाँ से फैट जाता है। इन माय केस, व्हेन आई स्टार्ट वर्किंग आउट, मेरा फेस का फैट सबसे पहले जाता है, सो आई लुक स्टार्टेड लुकिंग अप वेरी स्किनी। कई लोगों के आर्म से फैट जाता है, कई लोगों का, सो दिस इज डिफरेंट, ये हर इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है। लेकिन स्पेशली अगर आप वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि उससे आपका बेली का ऊपर वाला फैट हट जाएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। वो ओवरऑल आपकी बॉडी के साथ होता है, लेकिन जब आप ये सारे वर्कआउट करते हैं तब आपकी मसल्स बन रही है अंदर की। तो हो सकता है कि आपके बेली के ऊपर वो थोड़ा सा फैट बन गया हो, लेकिन आपकी मसल्स को आप ट्रेन कर रहे हैं, जब आप पूरी तरह अपनी बॉडी को ट्रेन करेंगे तब वो फैट जाएगा, एंड देन जो मसल्स आपकी दिखेंगी वो ज्यादा अच्छी होंगी, टाइट होंगी, तब आपके लिए वो आसान होगा। तो ये फैट को कैसे हटाएं, बेली फैट को? सो चाहे वो बेली फैट हो, आपका आर्म का फैट हो, आपके हिप्स का फैट हो, थाइस का फैट हो, फेस का फैट हो, उसे कम करने के लिए सबसे पहले आपको आपके न्यूट्रिशन पर ध्यान देना होगा, देन योर ट्रेनिंग। सो ये दो, जैसे इंसान दो टांग पे खड़ा होता है, उसी तरह हमारी फिटनेस भी इन्हीं इसी दो चीज़ों पर खड़ी है। हालांकि आजकल अगर मैं दो कैटेगरी और ऐड करूं तो वो स्ट्रेस और आपकी स्लीप है,
वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है ओवरऑल आपकी फिटनेस के लिए। लेकिन इनिशियली आपकी डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी ट्रेनिंग। अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं जहाँ पर आपका विसरल फैट है, आपको लग रहा है कि आप ओबीज हैं, बहुत मोटे हैं, तो आपको स्टार्टिंग में कॉम्बिनेशन ऑफ वर्कआउट करना होगा जहाँ पर आप कार्डियो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को मिक्स करेंगे। आपको एफर्ट उस टाइम ज़्यादा लगाना होगा, लेकिन लेट मी टेल यू कि जिन लोगों का फैट ज़्यादा होता है उनका फैट बर्न भी ज़्यादा होता है, क्योंकि उनकी बॉडी में उस समय मसल्स कम होते हैं, तो वो फैट बर्न होकर एनर्जी में यूज होता है और फिर वहाँ पर मसल डेवलप होती हैं। तो जैसे मैंने अपने कुछ पिछले वीडियोस में भी कहा था कि कई लोगों का स्केल पर वेट नहीं नजर आता, उन्हें मेजरमेंट से देखना चाहिए कितना लॉस हुआ है, क्योंकि इनिशियल स्टेज पे उनका फैट तो ज़्यादा बर्न होता है ऑब्वियसली, बिकॉज उनकी बॉडी जो है उसी फैट को यूज़ करेगी एनर्जी के फॉर्म में। लेकिन वो फैट लॉस होने के बाद आपका जो मसल्स हैं वो भी प्रिपेयर होती हैं एट द सेम टाइम आपको रेडी करने के लिए और डिफिकल्ट वर्कआउट के लिए। तो ऐसे में वेट लॉस हुआ आपके स्टमक से भी, आपके पूरे बॉडी से भी, लेकिन आपकी मसल स्ट्रेंथन हुई साथ में, तो आपका वेट जो है वो आपको स्केल पे दिखेगा नहीं। आपका फैट कम हुआ लेकिन आपकी जो मसल्स हैं वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो गई, उनका जो मास है वो बढ़ गया, विच इज़ अ गुड साइन। वेट लॉस के लिए आपको मसल चाहिए, आपको मसल, आपकी जितनी अच्छी मसल्स होंगी बॉडी के अंदर आपका मेटाबॉलिज्म उतना ही अच्छा होगा, रेस्टिंग रेट का जो मेटाबॉलिज्म होता है। सो अगर आप सेकंड स्टेज पर हैं, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो लोग नहीं करते हैं उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है बेली फैट को लूज करने के लिए, क्योंकि कार्डियो ट्रेनिंग से आपका फैट तो कम होता है लेकिन आपकी मसल्स बिल्ड नहीं होती। तो हो सकता है कि आपका फैट बर्न हुआ हो लेकिन आपकी मसल्स अभी इतनी स्ट्रांग नहीं हुई है कि वो विजिबल हो और वो अच्छी दिखें आपके स्टमक के चारों तरफ। इन दैट केस आपको थोड़ा सा कैलोरी डेफिसिट में भी जाना होगा, साथ ही आपको वेट ट्रेनिंग या रेसिस्टेंट ट्रेनिंग भी करनी होगी। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आप शायद इग्नोर कर रहे हैं कि मे बी आप क्रंचेस कर रहे हो, लेग रेसेस कर रहे हो, सिटअप्स कर रहे हो, लेकिन अगर इन सब एक्सरसाइज को करते वक्त आपका पॉस्चर ठीक नहीं है, आपकी जिस मोमेंटम ठीक नहीं है, आपका जिस स्पीड से आपको करना चाहिए वो ठीक नहीं है, आपका ब्रीदिंग पैटर्न ठीक नहीं है, तो आपके ये एक्सरसाइज बिल्कुल यूजलेस होंगी। मैंने कुछ दिनों पहले एक सेपरेट वीडियो शेयर किया था जहां मैंने करेक्ट पोस्चर के बारे में और इन सब बेली से रिलेटेड एक्सरसाइज को आप कैसे ठीक से करें उनके बारे में इन्फॉर्मेशन शेयर की थी, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सो आई होप जिन भी लोगों का ये डाउट है कि क्रंचेस से, सिर्फ क्रंचेस से या सिटअप से या प्लैंक से उनका बेली फैट कम हो जाएगा, वो डाउट क्लियर हो गया होगा। इट विल डेफिनेटली हेल्प यू बिल्ड स्ट्रॉन्गर मसल्स, लेकिन फैट जो होता है वो उससे कम नहीं होगा, वो आपका ओवरऑल बॉडी से एक साथ कम होता है। टारगेट आप मसल्स को कर सकते हो, आप किसी भी एरिया के फैट को टारगेट नहीं कर सकते। तो मैं ये नहीं कह रही कि आप क्रंचेस ना करें, आप कार्डियो करें, क्रंचेस को कंटिन्यू करें, क्योंकि कार्डियो से जहाँ फैट लॉस हो रहा है आपकी बॉडी के अंदर, वहीं ऐसे स्पेसिफिक एक्सरसाइज से आपकी उस एरिया की मसल स्ट्रेंथन हो रही है, साथ ही अपनी डाइट पर भी ध्यान रखें। तो आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल रहेगा, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर, साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी, स्टे फिट एंड आई विल बी बैक वेरी सून, बाय बाय।